माई चैनल। कैसे हैं आप सब? हैप्पी महाअष्टमी टू ऑल। और आज है महाअष्टमी, आज मैं व्रत रख रही हूँ। और आज के दिन की जो शुरुआत है, मैं पहले नहा के आई हूँ, अभी घर पे पूजा करूँगी, फिर मंडप में जाऊँगी पूजा करने। मंडप में पूजा करने के बाद घर आऊँगी, फिर आज दिन में मैं क्या क्या करती हूँ आपके साथ शेयर करूँगी सारा जो है स्नेक पिक थोड़ा बहुत। फिर बने रहिए इस ब्लॉग में। और हाँ, ज़रूर बताना आपको कैसा लगा सप्तमी वाला ब्लॉग। तो फिर बने रहिए इस ब्लॉग में। और आज का जो आउटफिट है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, ये है पूजा वाला गेटअप। तो फिर चलिए मेरे साथ ब्लॉग में। देखिए, मंदिर में अभी माँ जो है पूजा करने बैठ गई है और पूजा के सारे अरेंजमेंट्स कर रही है। मैं उनको अभी ज्वाइन करूंगी। पहले देखते हैं, माँ दुर्गा का दर्शन करते हैं। देखिए, मेरी नीस जो है वो आके पूजा करने बैठ गई है और वो अभी प्रेयर कर रही है। देखिए, और उसके बाद वो हर दिन प्रेयर करने के बाद हनुमान जी का सिंदूर लगाती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बड़े जो करते हैं वो सब कॉपी करती है। सिंदूर भी बिल्कुल ही बड़ों की तरह लगाते हैं। हम लोग जैसे पूजा के बाद सिंदूर लगाते हैं वो भी करती है, प्रेयर करती है और सिंदूर भी लगाती है। और देखिए, शी इज ऑसम। पूजा के बाद थोड़ा बहुत फोटोशूट कर रहे हैं और ये देखिए वो सेल्फी किससे ले रही है। अभी चलते हैं मंडप में पूजा करने के लिए। ए हाय कुंदू, हाय 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 कुंदूली, हाय। पुलिस को देख के मेरी छोटी नीस जो है वो डर रही है, इसलिए देखिए कैसे भाग के उसकी मम्मी के पास जा रही है। फिर मंडप में चलते हैं माँ के दर्शन करने के लिए, क्योंकि आज महाअष्टमी है तो हर कोई आया है दर्शन करने के लिए और पूजा करने के लिए। आप लोग देख सकते हो भीड़। और ये जो मंडप है हमारी लोकेलिटी का है। और देखिए फिर दूर से माँ कितनी खूबसूरत लग रही है। और यहाँ पर देखिए, हम लोग जो भी सारे भोग लगवाने के लिए नारियल और जो भी चीजें लिए थे वो सारा यहाँ पर भोग लगा रहे हैं माँ के सामने, आप लोग देख सकते हो। थोड़ा बहुत फोटो खींचने के बाद हम लोग अभी निकले हैं घर के लिए। और अभी हम लोगों को पूजा करके ऑलमोस्ट एक घंटा लग गया आते आते। यहाँ पर देख सकते हो नीस जो है वो थोड़ा गुस्सा है, कुछ लेने के लिए बोल रही थी वहां से, लेकिन हम लोगों को थोड़ा लेट हुआ इसलिए हम लोग उसको चिप्स पकड़ा दिए और फिर चले आए। देखिए, हमारे यहाँ पर दशहरा की जो स्पेशलिटी है, ढोलिया जो है ढोल बजा के हर एक घर में आते हैं और मंडप को जाने के लिए इनवाइट करते हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो इस वीडियो में। अभी चलते हैं लंच करने। लंच में आप लोग देख सकते हो पायस, डालमा और पराठा है। और उसके साथ आप लोग देखोगे अभी हम लोग लंच करेंगे। यहाँ पर पराठा, डालमा और पायस और चुकंबर यानी कि खीरा और
आलू का चटनी जो है वो भी था लंच में, तो हम लोग सारे मिलकर लंच किए, क्योंकि पूजा में चावल यानी के राइस नहीं खाते तो इसलिए हम लोग पराठा खा रहे हैं। लंच करते करते हम लोगों को 3:30 to 4 o'clock हो गया था दोपहर को, और उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत रेस्ट किए, फिर इवनिंग पूजा किए, फिर उसके बाद डिनर प्रिपेयर किया। डिनर करके अभी हम लोग पूजा पंडाल घूमने के लिए निकल रहे हैं, और रात के ऑलमोस्ट 10:30 हो गई है। तो देखिए हम लोग अभी ऑलमोस्ट 10:30 to 11 o'clock के अंदर निकल रहे हैं घर से, क्योंकि रात में लाइट्स और डेकोरेशंस बहुत अच्छे होते हैं तो देखने के लिए मजा ही एक अलग है। और सब सोचते हैं कि रात में भीड़ कम होगी, लेकिन जितना होना चाहिए उतना ही होता है, लेकिन रात में देखने का मजा अलग है। गाइज आप लोग देखिए, ये हमारी एजी कॉलोनी का जो है मंडप, माँ कितनी सुंदर लग रही है। यहाँ पर एजी कॉलोनी में हर साल मेला लगती है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट 11:15 to 20 हो गया था, तो जो दुकान है वो कुछ दुकान बंद हो गए थे और कुछ खुले थे। फिर भी लोग देख सकते हो कितने हैं यहाँ पर, मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ घुमा के। ये वाला झुमका लिया मैंने, ये ना हो अंकल जोड़े। एजी कॉलोनी से आने के बाद हम लोग अभी बरमुंडा पहुंच चुके हैं, और हम लोग अभी जो बरमुंडा जो पंडाल है उसके तरफ बढ़ रहे हैं। अभी चलिए मेरे साथ पंडाल के अंदर, आप लोग देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत लग रही है, और बहुत अच्छे से डेकोरेशंस किए हैं, और देखिए अंदर का नजारा, और देखिए भीड़ भी कितनी ज्यादा है, बहुत लोग हैं। कोई बोल सकते हैं कि जो रात के 12:30 to 1 o'clock के बीच में इतनी ज्यादा भीड़ होगी, कोई बोल सकता है क्या? तो चलिए अभी देखते हैं, माँ का दर्शन कराती हूँ आप लोगों को, देखिए। यहाँ पर प्रोग्राम भी चल रहा था कुछ, आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारा नयापल्ली मंडप, आप लोग देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत बनी है, और बाहर से तो एकदम पैलेस की तरह दिख रही है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, और यहाँ पर चिकू और मेरी जो बड़ी सिस्टर इन लॉ है वो दोनों जा रहे हैं सामने, और अभी चलते हैं मंडप के यानी के पंडाल के अंदर चलते हैं। डेकोरेशंस बहुत ही खूबसूरत बनी है, और इस बार मैं हर मंडप में यानी के पंडाल में देख रही हूँ एक थीम फॉलो कर रहे हैं, और यहाँ पर चिकू जो है वो आशीर्वाद ले रहे हैं माँ की, और अभी अंदर चलते हैं देखते हैं माँ का दर्शन करते हैं। मैं आपको पूरा डेकोरेशंस दिखा रही हूँ,
और थीम देखिए यहाँ का पूरा कंप्लीट दिखा रही हूँ। और डेकोरेशंस तो एकदम जो बोलते हैं ऑसम और सुपर्ब। माँ के दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ से अभी निकल रहे हैं और हम लोगों का नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है इधर रसूलगढ़ और हम लोग शहीद नगर जाएंगे। तो फिर चलिए मेरे साथ। और फिर से फाइनली एक बार और दिखा रही हूँ पूरा जो है पंडाल दिखा रही हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत है। और मेरी नीस जो है यहाँ पर वी दिखा रही है। रसूलगढ़ जा नहीं पाए क्योंकि पार्किंग करने के लिए कुछ भी फैसिलिटी वहां पर अवेलेबल नहीं थी। बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, बहुत ही लंबी लाइन थी कार की एकदम से 2-3 किलोमीटर तक। तो हम लोग पार्क नहीं कर पाए। तो हम लोग अभी शहीद नगर आ गए हैं। देख सकते हो आप लोग माँ को। यहाँ पर डेकोरेशंस देखिए गाइस, बहुत ही खूबसूरत है। और माँ की जो मूर्ति है, मैं एकदम से स्पीचलेस हूँ। जो भी देखेगा बोलेगा कि बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है। और डेकोरेशंस भी देखिए कितनी अच्छी है यहाँ पर। जो भी देखेगा स्पीचलेस हो जाएगा देख के। रात को 1:30-2 बजे हम लोगों को थोड़ा बहुत नींद आई। तो हम लोग यहाँ पर शहीद नगर में रुके थे कैफे में, जहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा बहुत चाय वाय पिया और बच्चे ओरियो शेक मिल्क शेक पिए। और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अभी गंगानगर के लिए। गंगानगर में हम लोग पंडाल घूमेंगे। बीच में बारिश हो रही थी तो एक दो जगह हम लोग घूम नहीं पाए। फिर डायरेक्टली हम लोग गंगानगर के लिए निकल गए हैं। और ये जो पंडाल देख रहे हो आप लोग अभी, ये है यूनिट 1 मार्केट का। बहुत ही खूबसूरत है, बाहर से हम लोग देख रहे हैं। अभी पहुंच गए हम लोग गंगानगर। फिर चलते हैं अंदर और देखिए पंडाल बाहर से कितनी खूबसूरत लग रही है। देखिए गाइस कितनी खूबसूरत मूर्ति बनी है माँ की। ऐसा लग रहा है कि माँ मुझे ही देख रही है। वहां पर थोड़ी टाइम रुकने के बाद हम लोग थोड़ा बहुत फोटो खींचे। फिर रात के 2 बजे हम लोग निकलने लगे घर के लिए। आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग जरूर बताना और सप्तमी वाला ब्लॉग भी देखना और कैसा लगा जरूर बताना मुझे। और आज का जो ये ब्लॉग है स्पेशली आप सबके लिए, मैं जितना हो सके मेरे से शेयर की तो ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करने को बोलना, क्योंकि बहुत एफर्ट डाल रही हूँ मैं ब्लॉग बनाने में और कंटेंट बनाने में। तो ज़रूर सब्सक्राइब करने के लिए बोलना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।